हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग का हम रिवर्स करना देखेंगे। सिंपल प्रोग्राम देखते हैं, राइट ए सी प्रोग्राम टू रिवर्स एवरी वर्ड ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग, यानी जितना वर्ड होगा स्ट्रिंग में उसके एक एक वर्ड को हमें रिवर्स करना है। सिंपल ये मेरा प्रोग्राम है। इसके लिए हमें लॉजिक जो यूज करना होगा वो टू डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे। टू डायमेंशनल एरे यानी फर्स्ट में हम यहाँ देख सकते हैं चार, यानी चार वर्ड इसमें होगा और जो पर वर्ड का होगा कैरेक्टर वो मेरा 3 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम कैरेक्टर। सिंपल इसके लिए हम समझते हैं लैंग्वेज जो एरे है उसका फर्स्ट पॉकेट यानी जीरो पॉकेट में मेरा जावा स्टोर है। जावा का चूंकि यहाँ पे 4 कैरेक्टर है ये 3 कैरेक्टर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ हम सिर्फ 4 कैरेक्टर स्टोर किए हैं। लैंग्वेज के सेकेंड पॉकेट में मेरा क्या है, क्योंकि जीरो से काउंटिंग यानी फर्स्ट पॉकेट में पाइथन है, सेकेंड पॉकेट में मेरा C++ है और थर्ड पॉकेट में HTML है। ये मेरा टू डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल है। अब रहा जब एरे यूजर इनपुट करेगा लाइन ऑफ स्ट्रिंग, तो वो चूंकि टू डायमेंशनल एरे में नहीं सिंगल एक एरे में इनपुट करेगा, तो वहाँ हम उसको वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें लॉजिक जो यूज करना होगा। जैसे ये हेलो देख सकते हैं हम, हेलो हाउ आर यू, तो देख सकते हैं इसमें क्या है, फर्स्ट में एक एक वर्ड के बाद स्पेस है और लास्ट में चूंकि ये एंड ऑफ स्ट्रिंग है तो यहाँ एक नल कैरेक्टर होगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लास्ट में नल कैरेक्टर होता है, यानी स्पेस या नल कैरेक्टर के एक वर्ड के बीच में जैसे ही स्पेस आता है उसके आगे जितना कैरेक्टर है उसको हम एक एक पॉकेट में स्टोर कर लेंगे। जैसे इसको समझते हैं, हेलो को हम जीरो पॉकेट में स्टोर करेंगे, हाउ को फर्स्ट पॉकेट में स्टोर करेंगे, आर को सेकेंड पॉकेट में और यू को थर्ड पॉकेट में स्टोर करेंगे। और ईच पॉकेट चूंकि एक पॉकेट में एक वर्ड है, यानी हमें हर वर्ड के लास्ट में एक नल कैरेक्टर लगाना होगा ताकि हम दिखा सकते कंपाइलर को ये मेरा वर्ड का लास्ट है। सिंपल हो गया। अब इस प्रोग्राम इसे हमें सॉल्व करना है प्रोग्रामिंग के, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। इंट मेन कैरेक्टर टाइप एरे देते हैं, यानी इसको कर देते हैं 100 कैरेक्टर जिसमें हम लाइन ऑफ स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। SNA इसको हम टू डायमेंशनल एरे देते हैं जिसमें 10 वर्ड तक जा सकता है और 20 कैरेक्टर होगा, जो कैरेक्टर वर्ड का ईच कैरेक्टर का साइज 20 होगा। REV इसको कर देते हैं 10 साइज और इसमें भी 20 तक। सिंपल हो गया। int i, j और दे देते हैं हम एक k वेरिएबल, इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और k को भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। आई को हम फॉर लूप के लिए दिए। सिंपल प्रिंट एफ देते हैं, यूजर से इनपुट करवाते हैं इंटर लाइन ऑफ स्ट्रिंग, यूजर से इनपुट करवा लिए और उसको गेट्स फंक्शन से हम एनए में स्टोर कर दिए। गेट्स फंक्शन से एनए में स्टोर कर दिए। स्टोर करने के बाद हमें क्या लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो क्या करना होगा, जो एनए एरे है उसके फर्स्ट से लास्ट तक मूव कराना होगा, एक एक कैरेक्टर को चेक करना होगा, स्पेस कहाँ है, स्पेस के पहले को ऐड करो और स्पेस जैसे ही आए नल कैरेक्टर ऐड करो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एन ए को मूव करना होगा। तो एन ए जो एरे है उसके फर्स्ट में क्या होगा, जीरो से स्टार्टिंग होगा क्योंकि ईच कैरेक्टर जीरो पॉकेट से स्टोर होगा फर्स्ट का और लास्ट में नल कैरेक्टर होगा। तो इसके लिए हम सिंपल कर देते हैं i = 0, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो एन ए है एरे है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करो और कब तक रीड करो, जब तक कि एन ए आई नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि एन ए आई का वैल्यू नल यानी लास्ट पॉकेट तक नहीं जाता है तब तक रीड करो। अब यहाँ एक कंडीशन लगाना है, क्या हमें स्पेस जब आता है तब, एन ए आई इक्वल टू स्पेस अगर आता है तब एस एन ए जे यानी जीरो पॉकेट में, सॉरी हम के कर देते फर्स्ट वाला को लास्ट में दे देते हैं जे, यानी जीरो पॉकेट में और जो जीरो कैरेक्टर है अभी तो जीरो कैरेक्टर है चुकी, तो यहां पे क्या करना है हमें नल कैरेक्टर ऐड करना, के प्लस प्लस, के को एक एक करके बढ़ाओ, जे प्लस प्लस, जे को भी बढ़ाते जाना है। सिंपल हो गया। सॉरी जे प्लस प्लस हम नहीं करेंगे, के प्लस प्लस करेंगे, यानी जैसे ही नल कैरेक्टर एक वर्ड मेरा हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड में जाने के लिए के प्लस प्लस कर देते हैं और जी को हम यहाँ जे को कर देते हैं जीरो। जैसे ही नल कैरेक्टर ऐड हो जाएगा मेरा एक वर्ड पूरा हो गया, नेक्स्ट वर्ड के लिए क्या हो जाएगा जब ऐड होगा तो वो हमेशा जीरो से स्टार्टिंग हो, इसलिए हम जीरो दे दिए। एल्स, एल्स पार्ट में आते हैं, जब मेरा स्पेस नहीं है उस कंडीशन में एस एन ए के जे इक्वल टू एन ए
अगर स्पेस नहीं है तो जो कैरेक्टर है एक एक कैरेक्टर को एस एन ए में ऐड करते जाओ। यहाँ हम दे देंगे जे प्लस प्लस, यानी जैसे ही एक कैरेक्टर ऐड हो जे का वैल्यू बढ़ के फिर दूसरे पॉकेट में तीसरे पॉकेट में एक एक पॉकेट में, जो के फर्स्ट टाइम अगर जीरो है तो जीरो एस एन ए जीरो के जो फर्स्ट वर्ड है उसके एक एक पॉकेट में स्टोर होता जाएगा एन ए आई का। सिंपल लॉजिक क्या है, अगर हेलो है तो हेलो का क्या होगा, फर्स्ट में एच ऐड होगा, फिर आई ई ऐड होगा, एल होगा, एल होगा, फिर ओ होगा, लास्ट में जैसे ही स्पेस आएगा तो स्पेस में आएगा तो क्या हो जाएगा, नल कैरेक्टर ऐड होगा और के प्लस प्लस के का वैल्यू बढ़ के नेक्स्ट जो मेरा पॉकेट है उसमें वर्ड स्टोर होगा, और जे जीरो कर दिए हैं ताकि क्या होगा नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो जीरो पॉकेट से ही स्टोर हो। सिंपल हो गया, ये मेरा हो गया टू डायमेंशनल एरे। अब इसमें हमें एक और चीज क्या ध्यान देना है, लास्ट में हमें एक नल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं जो लास्ट वाला वर्ड है उसके लिए। लास्ट वाला वर्ड में क्या है, चूंकि स्पेस नहीं है तो उसके लिए हम नल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं लास्ट वाला वर्ड के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एस एन ए के जे इक्वल टू नल। ये लास्ट वाला वर्ड चूंकि स्पेस नहीं है यहाँ समझते हैं, इसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं, चूंकि यू के बाद स्पेस नहीं है तो लास्ट में हमें वर्ड करके उस वर्ड का जो लास्ट पॉकेट में जो वर्ड होगा लाइक एच टी एम एल अगर है तो एच टी एम एल का एंडिंग हमें दिखाना होगा, तो एंडिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एच टी एम एल के बाद लास्ट में हमें नल कैरेक्टर ऐड कर देना। तो इस तरह मेरा क्या हो गया, टू डायमेंशनल एरे में एक एक वर्ड जो होगा लाइन ऑफ स्ट्रिंग का वो स्टोर हो गया। स्टोर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रिंट कर सकते हैं। पहले तो ऐसे ऐसे प्रिंट कर देंगे हम आई इक्वल टू जीरो, जो लेंथ ऑफ फर्स्ट जो वर्ड ऑफ वर्ड का काउंट होगा वो के हिसाब से होगा, तो इसके लिए हम दे देते हैं लेस देन इक्वल टू के आई प्लस, और प्रिंट कर दो क्योंकि स्ट्रिंग है तो इस परसेंट एस लेस इन कॉमा एस एन ए आई। इसको हमें क्या करना है, रिवर्स करके प्रिंट करना है, तो हम फंक्शन यूज करते हैं एस टी आर आर ई वी। अगर फंक्शन आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल मैं प्रोग्राम नीचे लिंक दे दूंगा, उस प्रोग्राम फंक्शन बनाते कैसे रिवर्स करते हैं उसका प्रोग्राम नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जस्ट प्रोग्राम बना के उस प्रोग्राम में हमें दे देना है रिवर्स करने के लिए। लास्ट में हम एक गेट सेल देते हैं, स्ट्रिंग इनपुट करते हैं हेलो हाउ आर यू। देख सकते हैं हेलो मेरा रिवर्स हो गया, हाउ यू रिवर्स हो गया, आर रिवर्स हो गया, यू रिवर्स हो गया। ये सिंपल हम प्रिंट कर दिए। अब क्या करेंगे, हम इसको एक एरे में ऐड करके प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर लूप में आते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एस टी आर सी पी वाई कॉपी एस टी आर कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं, आर ई वी जो हम टू डायमेंशनल एरे बनाए थे उसके फर्स्ट पॉकेट में क्या करना है, जैसे आई का वैल्यू बढ़ेगा उस हिसाब से कॉपी करना है किसको, एस एन ए के रिवर्स करके। तो इसको हम कर देते हैं एस टी आर आर ई वी एस एन ए ऐड कर दिए। अब क्या करना है, सिंपल हमें प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम कर देते हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन के, साइज ऑफ जो टू डायमेंशनल एरे है वो के है, यानी जो वो नंबर ऑफ वर्ड है वो मेरा के है, इक्वल टू के हो जाएगा, इक्वल टू के और आई प्लस प्लस। प्रिंट करने के लिए हम कर देते हैं प्रिंट एफ यहाँ देते हैं परसेंट 5s, यानी एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड में 5 स्पेस होना चाहिए दूसरा वर्ड जब प्रिंट हो, और कॉमा देके हम प्रिंट क्या करना है आर ई वी आई, इसको हम रन करके देखते हैं हेलो हाउ आर यू। देख सकते हैं हेलो रिवर्स हो गया, हाउ रिवर्स हो गया, आर रिवर्स हो गया, यू रिवर्स हो गया। इस तरह हम आसानी से लाइन ऑफ स्ट्रिंग के ईच वर्ड को रिवर्स करके किसी एरे में प्रिंट कर सकते हैं, एरे के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं या सिंपली प्रिंट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं।